नमस्कार दोस्तों, एक्सपेरिमेंट और लर्निंग की नई सीरीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सेलोनाइड वाल्व यानी एसवी के बारे में। ये आरू का एसवी है, आरू का सेलोनाइड वाल्व है। अलग अलग चीजों में अलग अलग तरह के सेलोनाइड वाल्व होते हैं। फिलहाल मैं आरू के एसवी के बारे में बात कर रहा हूँ। इसमें नॉर्मली दो तीन तरह के आते हैं। ये एसएलसी सबसे अच्छा माना जाता है और इसके अलावा और लोकल बहुत सारी चलती हैं जिसमें ये चूड़ी कसी जाती हैं। ये सबसे अच्छा माना जाता है और ये सबसे अच्छा काम करता भी है। तो ये पूरी तरीके से कैसे काम करता है इसके बारे में हम बात करते हैं। इस पर एरो बना हुआ है, ये इसका आउटपुट है, तो ये इसका इनपुट हो गया। इधर से पानी जाएगा, इधर से इसमें से निकलेगा। जब इसको सप्लाई दी जाती है 24 वोल्ट की, ये 24 वोल्ट डीसी से काम करता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पर काम करता है। जब इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई पहुंच जाती है तब इसमें चुंबक उत्पन्न होती है और ये अपना वाल्व को कंट्रोल करने का काम करती है। तो अब इसको खोल के बताता हूँ ये किस तरीके से काम करता है, जिसको आपको अपने एक्सपेरिमेंट में आपको आसानी हो कि ये किस तरीके से काम करता है। तो हम इसका उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं और 4 से 5 वीडियो बनाने के बाद मैं फिर आपको इस सब चीज़ों को मिला करके एक्सपेरिमेंट भी बताने वाला हूँ। इसमें 2 पेच होते हैं, एक ये नीचे, तो इसे खोलते हैं। सबसे पहले हम इसका पीछे वाला कवर खोल देते हैं। ये केवल मैग्नेट को पानी से बचाने के लिए है, कॉल में पानी ना जाए, इसके लिए इसका सेपरेटिंग कवर है। ये हमने अलग कर दिया। इसको अलग करने के बाद ये मैग्नेट कॉल अलग निकल आएगी। ये बाइंड की हुई कॉल होती है, इसको हमने अलग कर दिया, इसको साइड कर देते हैं। और अब ये बाल इसके अंदर होता है, तो इसके लिए हमें ये 2 पेच दिख रहे हैं, यहाँ से दिख रहे होंगे। इनको खोलते हैं सबसे पहले, इन 2 पेचों को। ये दोनों पेच खुल गई, ठीक है। इसमें जो इनपुट है वो इधर से पानी आता है, ये गड्ढा दिख रहा है, और एक छोटा सा होल दे रखा है। इसमें से पानी इधर से आकर के ऊपर आता है, फिर वापस इस बीच वाले सेंटर वाले पॉइंट में से होकर के जो दिख रहा है आपको, इसमें से आउट होता है। ये पॉइंट दिख रहा है, इधर से आता है और इस पॉइंट में जाता है पानी घूम करके ऐसे करके। तो जिस समय बाल ओपन होता है उस समय तो इसमें से पानी जाता रहेगा, और जब बाल बंद हो जाता है तो बाल इस पर इस तरीके से बाल लग जाता है, तो ये बंद हो जाता है पानी। ये इसलिए होता है कि रात को जब आर ओ आपका भर के बंद हो जाए तो टंकी से आने वाला पानी धीमे 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 करके आर ओ में बिना प्रेशर के बिना फिल्टर हुए मिक्स ना हो जाए, तो फुली स्टॉप लगा देता है कि एक बूंद पानी भी अब आगे नहीं बढ़ेगा। जब ये ख़राब हो जाता है तो फिर पानी कंटिन्यू आपके आर ओ में से धीमे धीमे बहने लगता है। तो इसमें क्या है, 2 तरीके से ख़राब होता है। एक तो मैग्नेट कॉल ख़राब हो जाती है इसकी, ये वाली कॉल ख़राब हो जाती है इस पर पानी चला जाए, या ये जो बाल है इसके ऊपर हार्डनेस आ जाती है, ये अंदर इस तरीके से चिपक जाता है, ये यहीं कहीं चिपक जाएगा। तो ये काम कैसे करता है मैं आपको कॉइल और ये सारी चीज़ें अभी लगा के बताता हूँ कि किस तरीके से ओपन करके बताता हूँ ये काम कैसे करता है। यह पीछे इसका कर देता हूँ दोबारा से, और इस हिस्से को नहीं कसेंगे अभी हम, इसको अलग कर देते हैं। ये SMPS सप्लाई है 24 वोल्ट की, तो इससे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। वैसे इसमें बना रखा है कौन सा पॉइंट कौन सा है, नेगेटिव पॉजिटिव, पर ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव कोई किसी में भी लग जाए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसको हम देते हैं सप्लाई, कि हमने लगाया इसमें इलेक्ट्रिक, ये SMPS का हम प्लग लगा रहे हैं इसमें, ये जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा ये अंदर चला जाएगा, ये अंदर गया। तो इस समय ये ऑन है क्योंकि ये मैग्नेट बन रही है, तो इसने बाल को पीछे खींच लिया है, यानी इस वाले पोर्शन से सेंटर वाले पॉइंट से ये हट गया है, ऊपर चला जाएगा तो ये हट जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको ऑफ करूँगा तो ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आ गया। जब ये ऊपर आएगा तो ये इस तरीके से इसको बंद कर देगा, तो इसमें से पानी निकलना बंद हो जाएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आपका अपना यूट्यूब चैनल LX सर्विसेज़।